भारी चोट देगा मार्च का महीना। ओला बारिश से फसलों को भारी नुकसान, अभी और होगी बरसात। मार्च का महीना जाते जाते भी किसानों को करारी चोट देगा। मार्च के दूसरे सप्ताह में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसान अभी अपनी फसल को संभाल भी न पाए थे कि अंतिम सप्ताह में फिर से मौसम की मार पड़ी। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते दो दिनों से प्रदेश भर में हुई बारिश, ओलावृष्टि एवं तेज हवाओं ने फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुँचाया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बरसात और तेज हवाओं का यह दौर शनिवार से अगले दो दिनों के लिए थम सकता है। इसके बाद फिर दो दिन तक बारिश व तेज हवाओं की आशंका जताई जा रही है। बारिश रुक रुक कर पूरे प्रदेश में हो रही है। पूर्वांचल में कहीं बृहस्पतिवार से तो कहीं शुक्रवार सुबह से तेज बारिश हुई। उधर अवध क्षेत्र में भी यही हाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमकर बारिश तथा तेज हवा चली, कई जिलों में ओले भी गिरे। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 3 और 4 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बरसात हो सकती है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटे में औसतन 2.7 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड हुई। इसमें सर्वाधिक बरसात गौतम बुद्ध नगर में 21 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि बागपत में 16.7 मिलीमीटर, मुजफ्फरनगर में 15.9, मेरठ में 14.8 और गाजियाबाद में 14 मिलीमीटर पानी बरसा। सिद्धार्थनगर में ओलावृष्टि भी हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में 5.2 मिलीमीटर पानी बरसा, लखनऊ में 4.2, कानपुर में 3.9, बाराबंकी में 3.4 और हरदोई में 2.1 मिलीमीटर बारिश का औसत रहा। इस बारिश से गेहूं, सरसों तथा सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। दरअसल अभी तो किसान मार्च के दूसरे सप्ताह में हुई बारिश के नुकसान से परेशान थे कि एक और आपदा शुरू हो गई। उधर 13 जिलों में फैली हुई आम की फसल को भी इस बारिश से नुकसान हुआ है। आम पर इस बार बौर अच्छा था, पर अब नुकसान हो रहा है। पहले तेज हवा से बौर गिरा, रही सही कसर बारिश और ओलावृष्टि ने पूरी कर दी।